यहाँ का दुबई से स्केच आर्टिस्ट बुलाया है यहाँ पे। यहाँ पे उन्होंने एक बंदा बनवाया है अभी। सर आप बताइए हमें आप अपनी किट में क्या क्या रखते हो? होती है 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life fast forward and never turned back again. भाई ये अभी पता क्या हुआ था, मेरे गाड़ी चला चला गया, मतलब पैर मेरे पैर हाथ ऐसे बैठ गए ना कि मतलब वो ना उसी तरह से काम कर रहे कि जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ। अभी देखो बाइक चलाए हुए इतना टाइम हो गया ना, अभी थोड़ा मेरे को टाइम लगेगा अभी इसमें हाथ उठाने में। फिर से मेरे से गियर चेंज नहीं हो रहा था बाइक का, और कोई ना हमें बस 10 मिनट चाहिए अपना पूरा हाथ फिर से बाइक बिठाने के लिए। उससे पहले भाई पेट्रोल भरवाते हैं, पेट्रोल की सिर्फ एक डंडी बड़ी है और हमें जाना है इतनी दूर। चलो जी अपनी टैंकी होगी फुल, उड़ाते हैं भाई बाइक अब अपनी कॉलेज को। हाँ तो भाई फिर आपको स्वागत है मेरी एक और नई ब्लॉग में, और आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया। इंटर खराब हो गया फिर से हो जाए इंटर एक बार। हाँ तो भाई फिर आपको स्वागत है मेरी एक और नई ब्लॉग में, और आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया हो गए। थोड़ी सुबह के बच चुके अभी 7:30 और हम जा रहे हैं अपने कॉलेज, निकल चुके अपने कॉलेज जाने के लिए। तो भाई आज ना अपन पूरी फुल तैयारी से निकल रहे कॉलेज के लिए, देख रहे हो हाथ में, आज अपने को धूप कहीं से टच भी नहीं कर सकती। फेस मैंने ब्लैक कलर का वाइजर लगाया हुआ हेलमेट में, मतलब तो भाई फेस तो मेरे उससे बच जाएगा, हाथों को मैंने इससे बचा लिया है। और अब तक आपको बताऊंगा कॉलेज सिर्फ मैं एक ही दिन गया हूँ, अब आज का मेरा है दूसरा दिन कॉलेज का। तो देखते हैं भाई आज क्या होता है कैसा निकलता है। पहले दिन तो मैंने बताया था आपको सिर्फ हमारी इंट्रोडक्शन वगैरह हुई थी, जान पहचान बढ़ाई कॉलेज में, और क्या होना था उस दिन। और हाँ एक छोटी सी पार्टी भी थी। यार सुबह सुबह का मौसम क्या मस्त होता है ना गर्मी होती है। चलो आज देखता हूँ कितनी देर में कॉलेज पहुँचते, ठीक है पूरे 7:30 बजे निकला हूँ मैं घर से, देखता भाई कितना टाइम लगता है कॉलेज पहुँचने में। मैं घर से ना ये सोच के निकला था कि ना जैसे हम नॉर्मल जो बाइक चलाते हैं जितनी स्पीड लिमिट पे ना उतनी स्पीड चलाऊंगा मैं, और देखने को कि मेरा कॉलेज को पहुंचने में कितना टाइम लगता है, पूरा कितना टाइम लगता है मेरे को ये देखना था। पर भाई ये बाइक जब हाथ में आती है ना, हाथ तो पता नहीं भाई क्या खुजली होती है ना। रुका नहीं जाता भाई खाली रोड देख के। आज मजा आगे कसम से सुबह सुबह बाइक चला के, जो मजे बाइक में भाई जो मर्जी कर ले तुम, वो मजे गाड़ी में नहीं आ सकते तुम्हें कभी। और भाई मेरा ना अभी थोड़ी देर पहले ना उत्तराखंड जाने का प्लान बना था, पर भाई पता नहीं मेरी किस्मत कैसी है यार, जब भी मैं कहीं घूमने का प्लान बनाऊँ बस बारिश हो जाती है यार। कॉलेज की मेरी 3 छुट्टियां थी, तो मैंने बापू को कहा था कि यार उत्तराखंड जाता हूँ मैं 1-2 दिन के लिए। मैंने वेदर चेक करा तो भाई बारिश लिखी हुई थी, उस दिन ही बारिश हो रही थी। मैंने कहा चलो अगले दिन निकलते हैं, मौसम साफ होगा। अगले पूरा एक हफ्ता भी बारिश लिखी हुई उसमें, और आज देखो बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ रही है यहाँ पे। ये रोड ना अपने लिए जानलेवा भी हो सकती है, पता है ये सही में भाई वही तरी खतरनाक रोड है ना कि यहाँ पे हल्की सी तुम्हारी नजर भी हटी ना रोड से भाई तुम गए। क्या बात है यार अपना कॉलेज क्या लगता है ना, चेक मारो एक बार भाई, यहाँ से जो बंदा भी निकलता होगा ना वो देखता ही देखता होगा भाई क्या चीज है ये, है ना। और अपन उसी कॉलेज में पढ़ रहे भाई, मतलब क्या किस्मत है ना। अभी मेरे को ब्लॉक 4 पे जाना था, बातों में आगे आ गया मैं ब्लॉक, अच्छा नहीं मतलब ब्लॉक 3 से एंट्री होती है, ब्लॉक 4 आगे है ठीक है। ये कह रहे वहीं से जाओ भाई, यहाँ से नहीं आना। क्या भाई क्या दिक्कत है ये? मैं वहाँ गया तो दिन कह रहे उधर से जाना, आज मैं यहाँ पे जा रहा हूँ तो कह रहे वहाँ से जाओ। चलो भाई मेरी फेवरेट एंट्री वैसे यही वाली है, यहाँ से एंटर करना मेरे को पसंद है। चलो जी अच्छा टाइम देखो भाई, पहले तो टाइम कितने से पहुँचा मैं, 8:06 मान लो मैं पहुँच गया था 8:04 तक है ना, तो मेरे को कितना टाइम लग गया भाई, मेरे को 20-25 मिनट लगे पहुँचने में आज। आज मतलब मैंने मिक्स ही चलाई, मतलब स्लो भी चलाई है बीच बीच में, तेज भी चलाई थोड़ी। चलो तो भाई चलते हैं अपनी क्लास, क्लास में जाने अपन एक काम करते पहले ना थोड़ा कॉलेज घूमते अपना भाई। ये सामने पार्क, और जो उस दिन पार्टी हुई थी वो यहीं पे हुई थी इस पार्किंग में, यहाँ भाई इन्होंने पूरे फूल उस दिन DJ लगा रखे थे। और भाई ये गार्डन चेक करो यहाँ का, सही जगह है टाइम पास करने के लिए, और को सामने हॉस्टल के लड़के बैठे हुए हैं। भाई हॉस्टल वालों को भी क्या सही है ना, सुबह उठो तो कॉलेज में ही सुबह होगी, रात को सोना तो भाई कॉलेज में ही सोना है। अपने को भाई सुबह नहा धो के नहीं दूर आना पड़ता है। ये तो सामने देखो ये बॉयज़ का हॉस्टल है, और इसके उस साइड मेरे ख्याल से गर्ल्स का, या उस साइड या इस साइड गर्ल्स का होगा, इसके बैक साइड में हॉस्टल वाली बिल्डिंग इन्होंने वाइड कर रखी है। और अपना ब्लॉक आज ये ब्लॉक 4 है ना सामने, हाँ ये ब्लॉक 4 है अपना, यहाँ जाना मेरे को 6th फ्लोर पे। और भाई जो ये वाला एरिया देख रहे हो ये सारा खाने पीने का एरिया, बड़ा कुछ शहर खाने पीने का, यहाँ पे जो चाहिए सब मिल जाएगा आपको। ये भी कैंटीन है, ये सामने फूड कोर्ट, ये भी कैंटीन है, वो सामने कैंटीन लिखा वो भी कैंटीन है भाई, कैंटीन है तो ऐसी भर रखी है ना यहाँ पे। एक उधर भी दिखाता हूँ आपको, देखो वो वाली मेरी फेवरेट कैंटीन है, वहाँ का माहौल मेरे को बड़ा पसंद है। देखो ये अपन की फेवरेट कैंटीन है, यहाँ कुछ खाया हुआ तो नहीं है पर भाई देखने में बड़ी सही लगती है, फोटो फोटो खींचने के लिए सही जगह है मस्त। इन्होंने एक कंटेनर के अंदर कैंटीन बना रखी है, और यहाँ मस्त है, अभी ये चेयर चोर लगा देंगे इधर बैठ के खाओ पियो, और
ये भी सही भी इसलिए क्योंकि यहाँ धूप हो या जो मर्जी हो, यहाँ पेड़ पौधे ना अच्छे खासे, तो गर्मी गुर्मी नहीं लगती यहाँ पे। और भाई ये रहा आपका भाई सामने, कैसा लग रहा है बताओ, एक कॉलेज तो ले बड़ा करते हैं ना। सो गाइस टुडे माय ओओटीडी, क्या कहते हैं ओओटीडी इज दिस, एज यू कैन गाइस सी माय एयरफोर्स शूज एंड ओके एंड ब्लू जीन्स एंड दिस व्हाट यू कॉल दिस रेड ओवर साइज एंड दिस आर्म स्लिम दैट यू कैन वेयर इन योर हैंड। ओ भाई एक मतलब कॉलेज वाले नहीं, कई लोग होते हैं जो ये सब हरकतें करते हैं, स्पेशली लड़कियां बढ़िया करते हैं भाई। कॉलेज हमारा तो है भाई कॉलेज दिखाना है, ठीक है, लड़के का होता है भाई उनको कपड़े दिखाने अपने सुबह सुबह उठ के कि हम कॉलेज में पहन के क्या जा रहे हैं। भाई मेरे ना जितने भी कपड़े थे ना, एक तो कल मेरे को शाम को मैसेज आया, उस वक्त मैं मोहाली था, ठीक है, शाम को मैसेज आया कि भाई कल कॉलेज आना है, और मेरे को लग रहा था कि भाई छुट्टी होगी कॉलेज की, तभी मैंने रात को शूज लिए ये वाले, फिर घर आकर देखा तो भाई सारे कपड़े गंदे पड़े हुए मेरे भाई, एक भी कपड़ा धुला हुआ नहीं था, ये चलो शुक्र ये पड़ी हुई थी, भी मैंने कल पहनी हुई थी, मैंने आस पास से वही पहन ली, और ये पैंट पता नहीं कहाँ वो अलमारी में कहीं घुसी पड़ी थी, इसको मैंने निकाल ली कहीं से, वो वही बस पहन ली। फिर अपने ब्लॉक के सामने एकदम भाई ये फुटबॉल ग्राउंड भी है, यहाँ पे कभी खेलेंगे फुटबॉल कभी। बाहर वाली सारी कैंटीन तो मैंने आपको दिखा दी भाई, ये कैंटीन भी चेक करो, यहाँ पे मस्त आप अंदर बैठ के क्यों खाना पीना है, खाओ पियो ऐश करो। चलो तो भाई 9 बजने में, अभी 20 मिनट रह गए हैं 9 बजने वाले मतलब, तो अपन अपनी क्लास में चलते हैं, मतलब टाइम पास कर रहा था यहाँ बाहर घूम के इधर उधर। ओ भाई जहाँ निकल गई अरे को भाई यहाँ से भी कुछ चेक करो, ये सामने पता नहीं क्या बन रहा है, कुछ तो बन रहा है भाई। ओ 6th फ्लोर अभी ना पता क्या यहाँ की गिफ्ट तैयार हो रही है, मतलब ये पूरा ब्लॉक जो है ना ये यहाँ तैयार हो रहा है अभी, उसकी वजह से अभी ये स्टेयर्स यूज करनी पड़ती है। फाइनली तो भाई पिछली बार तो मैं आपको अपनी क्लास नहीं दिखा पाया था, इस बार देख लो भाई। तो भाई ये अपनी क्लास हर जगह कंप्यूटर लग रखे हैं, अब मेरा कोर्स मैंने बताया था ना आपको BSc मल्टीमीडिया, तो भाई मेरा जो कोर्स है ना इसमें ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल है, थ्योरी बहुत कम है, मतलब थ्योरी होएगी पर बहुत कम होएगी, इसमें सारा प्रैक्टिकल काम है बेसिकली। मेरे अगले कोर्स में मैंने आपको बताया था VFX 2D 3D एनिमेशन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, ठीक है। मैं तभी आज जल्दी आ गया था, मैंने सोचा कि जाके ना ब्लॉग बनाएंगे कॉलेज में आज, क्योंकि पिछली बार मैं आपको इतने अच्छे से दिखा नहीं पाया था कॉलेज, तो आज शायद दिखा दिया होगा। बाकी क्या जा रहा है, 3 साल यहीं पे है भाई, कॉलेज ही कॉलेज दिखाएंगे आपको। क्या कर रहे हैं? हमने आज ना दुबई से स्केच आर्टिस्ट बुलाया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बंदा बनवाया है अभी, और इसके साथ अभी अपन ये वाला कुत्ता बिठवाएंगे, सेम रेट तो सेम होना चाहिए। तो जी एक दुबई वाले आर्टिस्ट बैठे हैं यहाँ पे, एक बैठे हैं चंडीगढ़ वाले आर्टिस्ट, अब बताना आप कितने, अब आपने बताना कि किसने ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। सो हियर वी गो इन 3, 2, 1। सो गाइस मेरे को पता है आपको ये देख के बहुत प्यार आ रहा होगा, है ना, आप लोग मेरे फैन हो गए होंगे, पर कोई नहीं, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, किसी को मेरे से मिलना है तो मिल लेना, सिग्नेचर भी दे रहे थे अपन ने अपने यहाँ पे, ठीक है। लो भाई ये लो भाई मेड बाय गगनदीप सिंह GDS व्लॉग्स, दुबई वाले आर्टिस्ट देखते क्या कर रहे हैं, मतलब पूजा गगन है कौन सी ब्रीड का कुत्ता भाई, भाई दुबई वाले आर्टिस्ट ने इसकी कमर तोड़ दी, कुत्ते की कमर तोड़ दी भाई। ये हमारे दुबई वाले सर की किट देख लो गाइस, गाइस सबसे पहले सर की ये बहुत ही महंगी पेन, सबसे महंगी और कीमती पेंसिल, ये इसको इस कोने में रखेंगे हम। तो भाई फाइनली ब्रेक हो गया अब जाके भाई, इतनी भूख लगी थी ना, कैंटीन चेक मार इसमें। चलो तो भाई यहाँ पे ना खाना खुना तो कुछ था नहीं, खाने खाने को तो बर्गर बर्गर मंगा लिया मैंने, तो बस आगे से ना खाना घर से लेके आया करें, घर से ठीक रहता है ना। देख रहे भाई इतने बड़े बड़े कॉलेज में आगे महंगे महंगे वर्ड बोलते हैं, ये भाई साहब कह रहे स्टेयर्स।
तो भाई अभी हमारे सारी क्लासेस ओवर हो गई है, ठीक है। और अभी मैं जा रहा हूँ कंटीन में, वहाँ पे अपना एक दोस्त आ रहा है जो पहले इस कॉलेज में है, उससे आज पहली बार मिल रहा हूँ मैं। कंटीन से पहले 5 मिनट आपको अपना कैंपस घुमा देते हैं। कितना कैंपस घुमाया सुबह से? सारा घुमा दिया। उधर क्या करना, पार्किंग है उधर, वहाँ कैंपस है, कैंपस इधर है। अरे पार्क दिखाएंगे ना, हरियाली दिखाएंगे। भाई कॉलेज का माहौल ना, यहाँ पे 3 बजे के बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि सारे बंदे कॉलेज से बाहर निकल जाते हैं और पूरी भाई कंटीन में भीड़ लग जाएगी, यहाँ पार्क में ऐसे भीड़ लग जाएगी, इधर बस अपने बैठने की जगह ही नहीं मिल रही कहीं। देखो भाई अपने साथी, देखो कहाँ बैठे छुपके, अंदर के बैठे इतने छुपके। तो भाई इनसे मिलो, इनका नाम है जसदीप सिंह, शिवांग कह रहे ना। कहाँ से हो? हिमाचल से। चलो भाई जानकारी के लिए बता देते हैं, हम ब्लॉगर भी है। अच्छा वैसे इसने तो यहाँ पे रूम ले रखा है भाई, इसका रूम मजे है, इसके हॉस्टल लाइफ कॉलेज लाइफ दोनों देख रही है। हॉस्टल में जेल जैसा लगता है, जेल जैसा लगता है। ओ, चलो तो भाई अभी बच चुके हैं शाम के 4, ठीक है। और अरे भाई गर्मी ने बुरा हाल कर दिया भाई कसम से। तो भाई आज का भी हमारे कॉलेज का दिन एकदम मस्त निकला, जैसे स्कूल में होता था ना कि भाई स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, वो सब वो सीन अब तक मेरे साथ कॉलेज में नहीं हुआ भाई। कॉलेज के पहले 2-3 दिन तो मस्त निकल गए एकदम। अब देखते हैं भाई आगे की जिंदगी ऐसे निकलती है अपने कॉलेज की।